तो ठीक है चलो। तो देखो कौन आ रहा है हमसे मिलने, बताते अभी। पानी भर रहे हैं कुएं से, कुएं में भी पानी कम हो गया। कितना बचा है? तो सोयल छत पे है ना, बज रही 7:30-8 और गर्मी ऐसी भयंकर की है ना। सुबह सुबह अपना बिस्तर ये रहा है ना, बस बिछा के सोया था। उधर देखो वो है ना, कोई आ जाए उसको चार्ज करने के लिए, है ना। और भैया भी यहाँ सोया था, तो भैया उठ के रात को ही चला गया। क्या बता क्यों चला गया, तो उससे पूछते जाके क्यों चला गया। तो गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू द अनादर व्लॉग। तो उठ जाओ और अनादर एपिसोड है ना। और धूप देखो सुबह सुबह, अब बता देखो इधर साइड में पेड़ से नहीं पता पड़ रहा, नीम के छाया से ना, नीम के छाया से पता नहीं चल रहा। तो उठ गए, चलते हैं नीचे और जाते हैं और आपको पूरे दिन का शेड्यूल बताते हैं कैसे क्या क्या है सब कुछ, आपको जो जो भी है करते हैं, ठीक है। और आज निकलना है, शाम को निकलेंगे, थोड़ा सा 5:30 बजे निकलेंगे, 5:30 निकलेंगे, ताकि थोड़ा सा मौसम ठंडा हो जाएगा और अपन 7:30-8 बजे तक उदयपुर पहुंच जाएंगे, है ना। तो चलो मिलते फिर। ओह अब कुछ बता रहा, देखो 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 देखो, नहीं गर्मी में पशु कैसे दौड़ के उतर रहे, देखो वो देखो वो आ रहा है, वो देखो वो आ रही, वो आ रहा है, वो देखो दौड़ते दौड़ते उतर रहे, वो एक और उतर ना स्पीड उतरते ना ऐसे पशु, वो गिर जाता अभी। खूब स्पीड दौड़ के उतरते बाबड़े गर्मी के चक्कर में, फटाफट उतर के उधर चरने जाते। क्या चरे गर्मी में, क्या चरने का होता है, पत्थर। और बाहर गर्मी देख सकते हो, ये चेयर वेयर सब अंदर ले आते हैं, खाट उधर छाया में रख देते हैं, सब काम एक बार अपन कर लेते हैं। तो चलो इसी बात को काम भी दिखाई देते हैं ना, हम कैसे क्या काम करते हैं वो भी दिखाई देते हैं आपको, है ना। झूठ थोड़ी बोलते हम, चलो एक बार सही है, काम करना जरूरी है। तो अपन सीधा सुबह के बाद अब मिल रहे हैं ना, सब काम करने के बाद अब मिल रहे हैं। तो रेडी हो गए अपन, कहाँ जाने के लिए, घर जाने के लिए रेडी नहीं हुए क्योंकि घर नहीं जा रहे, अरे घर मतलब उदयपुर नहीं जा रहे, उदयपुर कल सुबह जाएंगे, आज जा रहे अपन ओखला है ना, दादाजी दादी के पास जा रहे। कूलर देना है दादाजी को, है ना, कूलर ले जाना है, तो इसलिए जा रहे। तो कूलर ले जाते हैं अभी, और क्या करें, और अपनी फ्लाइंग विश तैयार है, इसको निकाल नहीं रहे अभी, इसका काम वाम इसका तो हो सके, रजिस्ट्रेशन करवाना है अभी, इंश्योरेंस सब करवाना है, इसलिए इसको निकाल रहे नहीं अभी। मेरे को पता नहीं था कब से, मैं सोचूं ये रोज ग्लास साफ कैसे हो रहा है पीछे वाइपर से, यहाँ पे इस पे ये दे रखा है, अच्छा स्प्रे का दे रखा है, वापिस करना एक बार, समझ गया, एक साइड से दे रखा है, एक साइड से हाँ ये दे रखा है ये। मैं वही चीज देख रहा कब से, मैं कहा ये पानी कहाँ से आ रहा है यार, ये सिस्टम तुमको पता था नहीं तो पोपट हो गई, मेरे का शायद पीछे वाला ऐसे दे रखा है, मेरे को नहीं पता था कि यहाँ से पानी आ रहा है इसके, यहाँ से कहीं से पानी आ रहा है इसके, यहाँ से यहाँ पे ये स्प्रे दे रखा है ना, तो अपने को ध्यान नहीं था इसका पूरा। तो टाइगर लेने वाले के लिए ये फायदा देखो, इसमें आ गया कूलर, ये कितने लीटर का है वा? 40-45 लीटर का कूलर है। तो आ गया ये, इधर वाली सीट फोल्ड कर दी इसके, जो इस साइड वाली है ना ये रहें, इधर मम्मी बैठ जाएंगे
और इधर भाई फोल्ड करते हैं उधर से सीधा कांच पीछे डिक्की से इधर आ गया, और आ गए हैं अभी खेरवाड़ा पर, तो जा रहे हैं बोकला। थोड़ी सी थोड़ा फैन सुमित्रा मैडम वो कर दी, थोड़ा फुल कर देते हैं ताकि क्या गर्मी लग रही बहुत ज़्यादा तेज वाली। आ गए अपन बोकला, बोकला डूंगरपुर। ये घर तो बहुत पुराना है नहीं भाई, ये बहुत पुराना है, यहाँ किसी डेथ हुई कैसे बांध के बैठे हुए, पपीता लगी हुई है अपने आप, पपीता लगवानी पड़ रही है। ये इधर नदी है पूरी, इधर सूख गई नदी अभी, ये ये क्या कहते बारिश में, बारिश में रहता है नहीं पानी यहाँ पे, बाकी नॉर्मल तो रह नहीं रहा, मैंने आज तक नहीं देखा सूखा हुआ ही रह रहा है। ये हमारे यहाँ पे घाटी है एक बड़ी, उन्होंने कूलर पकड़ रखा पीछे जाके, वो तो गेट पे नहीं टकरा इसलिए, इधर से शॉर्ट रहा है नहीं शॉर्ट कट, यहाँ से सीधा शॉर्ट कट जाता घर पे, पैदल हम यहीं से जाते हैं, हम भी गए नहीं ऐसे तो पहले आते छोटे छोटे, तो देखो इधर ऐसा वन विभाग का एरिया नहीं, वन विभाग का तो अपने उधर कैसे आ रहा है, अलग 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 वन विभाग, आधा वन विभाग आधा लोगों का है या पर्सनल। आसमान में बारिश के टाइम ऐसा ही लगता है यहाँ पे, पूरे बादल वादल रहते हैं, ये पूरा वन विभाग का एरिया ये वाला। अब छोड़ दो अब कोई नहीं, अब तो इधर यूं घाटी है, अब छोड़ दो ले जा ऐसा ही उतर जाएगी और क्या। हाँ देख लेता हूँ एक बार मैं कैसा है पूरा, देख लेता हूँ मैं, देखने दो एक बार, कंप्लीट है मैं देख लेता हूँ एक बार, एक बार पूरा रोड देख लेते हैं आराम से उतरेगी। चलो ठीक है जाने देते, आराम से उतरेगी। आराम से उतरेगी, चलो आराम से उतरेगी, आराम से चढ़ेगी। चलो जाने दो आराम से, इसको ये पकड़ना भी है आगे आ जाए, जाने दो। पहले से बहुत अच्छा हो गया, सीधा है मतलब, ये खड्डे वड्डे नहीं है। अंकल जी भी देख रहे हैं सामने से बाइक रुक के, अरे सूरज ये भी थाके ना, चढ़ना उतरना बहुत माथा पड़ी। देखो रोड कैसा है यहाँ से, ये भी थोड़ा सही कर लिया है यहाँ पे, ये वन विभाग ने दे दिया या फिर किसे क्या मतलब, सिर्फ आप जाओ आप जा, अच्छा जबरदस्ती जा रहे हो, देखो हम जबरदस्ती जा रहे हैं वन विभाग की जमीन से पर रास्ता तो देना ही पड़ेगा ना, जबरदस्ती क्या होता है, ऐसा तो नहीं किसी का रास्ता नहीं है तो भाई, नहीं तो बन नहीं तो फिर प्लेन बनना है हमारे लिए, प्लेन लाके तो प्राइवेट हेलीपैड बनाओ मन, हाँ पकड़ रखा मैंने सामने खेत में, देखो वहाँ पे खेती चल रही है सामने, वो ट्रैक्टर दिख रहा वो वहाँ पे, ये भी क्या करूँगा, अच्छा समतल हो गया अब तो नहीं जाएगा, मैं तो समतल ले लिया खाद डाल के दे, उधर साइड देखो इधर पूरा वो है खाई है, खाई
नीचे उतर दबो छाया में ले लो इधर यूं यूं इधर काटो वो रख दो दादी जी यार दादी जी कूलर आ गया आपके पानी भर रहे हैं कुएं से कुएं में भी पानी कम हो गया कितना बचा है कम ही है ना देखो हमारा घर कहाँ पे पूरी दुनिया दिखती है नहीं दादी जी यहाँ से डूंगरपुर भी दिखता है यहाँ से डूंगरपुर भी एक पार्ट नहीं डूंगरपुर भी दिख जाता यहाँ पे केले वेले सब देखो केले भी है ये नींबू भी है केले लगे हुए भी हो रहे होंगे बता दो हाँ ये टूट गया ये देखो टूट गया ये इसके बीच में के पीपल भी है ये रहा पीपल बहुत सारे पेड़ है नींबू ये रही पानी आ गया झाग झाग क्यों आ रहा है बदबू भी आ रही है पानी में आएगा धीरे धीरे आएगा इतना नीचे है तो फिर और बताते हैं आपको देखो पहले देख रखा है वैसे आप लोगों पर देखो यहाँ पे बारिश के टाइम पे लाएंगे यहाँ पे फिर बताऊंगा मैं वो नीचे अंकल जी का घर है रणछोड़ अंकल का और ये सब खेत है हमारे यहाँ ये है ये है ये है और ये अपना बड़ा घर है दादाजी का घर है ये वाला इतना ऊपर बना रखा है ये बनाने का मतलब क्यों बनाया बताइए यहाँ से पूरी ज़मीन दिखती है हमारी यहाँ से जो जो नज़र दिख रही है इतने इतने में मतलब ये यूँ यूँ मतलब पूरा एक एक कोना दिख रहा है मेरे ज़मीन का यहाँ से इसलिए दादाजी ने यहाँ पर घर बनाया कि यहीं से देख सकते पूरा ज़मीन पर एक एक खेत दिखता है यहाँ से लगा सेट कोने तक खेत है वहाँ तक पूरा दिखता है अभी है ना कोको करके हमने बोला है हमारे कोको यहाँ पे कहा गया अभी आ रहा होगा रास्ते में शेट वहाँ पे घर पे था आवाज़ दी मैंने वहाँ से भी दौड़ता हुआ आ रहा है कहा गया अभी दिखेगा और इधर अंकल जी का घर बना रहे शांति अंकल का और अपने भी देखते उधर से ही बनाएंगे पा या देखते इधर के आगे हुआ था आगे बना लेंगे जो भी जैसा भी हुआ किधर गया कोको या कोको आजा 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 वो आया देखो बता दो देखो पूरा पेंथर है देखो ब्लैक पेंथर मारे आजा 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 या वो गीला ही है गंदा नहीं करेगा तू गीला होके आजा ये आ गया कोको भाई साहब है हमारे है कोको ये इतना बड़ा है देखो ये 42 किलो का ही है हमारे ये किडनैप कर लिया था एक आदमी ने लेके चला गया था इसका फिर वापिस लाया पूरा एक पंचायत बैठा के लाया इसका तो ये आ गया देखो इसके पंजे बता दो देखो पंजे कितने बड़े हुए देखो ये देखो पंजे देखो इसके वो इसका सिर देखो ये गर्दन वर्दन देखो मतलब बहुत भयंकर है मतलब गजब का बड़ा है इसकी डाइट तो बहुत खतरनाक है मतलब इतना खाना खाते नहीं ये देखो ये बैठ जा तो अभी अपन खड़े हैं अपने घर पे और अपने गांव में अपने बालवाड़ा भी गाँव है ये भी गाँव है ना ये दादाजी का गाँव है मतलब पापा और ये बचपन से वहाँ रहे मतलब पापा है ना पापा 2 साल थे तब से वहाँ रहे पापा और भी बस यहाँ पे देखो सामने वो वहाँ पे वो है क्या कहते हैं ये दिख रहा है ये वाला ये वो ये महुआ है नहीं वा वो महुए का पेड़ बहुत पूरा ना हो उधर से उससे भी आगे तक आगे से उधर से ज़मीन आती है हमारे उधर इसलिए यहाँ पे घर बनाया यहाँ से वो कोना भी दिखता है इसलिए वो इधर पीछे साइड भी दिखता है पीछे साइड तो नहीं है इतनी पीछे साइड तो इधर से इधर ही है इधर साइड है उधर से उधर 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 और गर्मी है भयंकर वाली दबा के मतलब ऐसी गर्मी पड़ रही है ना बिल्कुल कह नहीं सकते ऐसी गर्मी मतलब बहुत ज़्यादा अभी टेम्परेचर आपको बता देते हैं अभी का टेम्परेचर है अभी का 5:45 हो रही है और अभी का आपको टेम्परेचर बता दूँ मैं 5:45 का टेम्परेचर है देखो ये थोड़ी सी ब्राइटनेस कर देते ये दिख रहा है देखो है ना 45 डिग्री तो देखो कौन आ रहा है हमसे मिलने बताते अभी मंथन आ रहा मंथन
आंटी जी कहाँ हैं? आ रहे हैं? अच्छा तो देखो मजा आ रहा है कि छुट्टियों में मजा आ गया अभी तक हैं घर ने घर में रह के गोरा हो गया बिल्कुल घर में रह के गोरा हो गया हैं अभी रिजल्ट आने वाला है भाई का मजा आ जाएगा मुझे यू पैसे उड़ाएंगे नहीं रिजल्ट आएगा बस ये मेरा मंथन का युगल का आंटी जी वो रहे आंटी जी वो आ रहे घर पे से अच्छा आंटी जी वहाँ प्यारे दिख रहे कि नहीं दिख रहे पता नहीं हल्की सी आवाज आएगी आप लोगों को बाकी तो गर्मी अभी 45 डिग्री चल रहा है अभी हाँ। और टाइम हो रहा है देखो टाइम बताओ 5:51 6 बजने वाली है 45 डिग्री चल रहा है अभी दोपहर में तो 52 चल रहा कल 52 चल रहा था हाँ, यहाँ ज़्यादा चल रहा है इसका मतलब वहाँ पे कल 46 था यहाँ 52 चल रहा था कल दोपहर में डूंगरपुर में आता नहीं है इसलिए हाँ तो डूंगरपुर में अलर्ट दे रखा है ना गर्मी का बहुत ज़्यादा आज सुबह पढ़ा था हमने तो चलो पीछे भी दिखा क्या था लोगों को खेती काफ़ी हो रही है हमारे बताते हैं ना तो अभी आपको बताते हैं हमारे यहाँ खेती किधर हो रही है बताए खेती किधर हो रही है बताते हैं अभी आपको मंथन ये रहा हमारे अभी बताते हैं और इधर से हमारे जा रहा है रोड अपन इस रोड से आए थे यूँ जाएंगे अपन और बताते हैं देखो खेती का हो रही है देखो वो वहाँ ट्रैक्टर चल रहा हो ये किसका राजू का घर है कौन सा ये जो कंपाउंडर है उनका घर है ना उनका ये ना वो देखो वहाँ पे ट्रैक्टर चल रहा हो इस जगह पे देखो ट्रैक्टर चल के ना हमारी खेती होती है और देखो यहाँ पीछे कितनी बड़ी खाई है यहाँ से गिरा आदमी इसका तो सीधा वहीं जाके रुकेगा भाई ये कोई चांस नहीं है रुकने का देखो और बताते और बताता हूँ मैं ये देखो यहाँ पे कभी बारिश में बारिश में फुल भर के पानी निकलता है नहीं हाँ। यहाँ पे बारिश में बहुत फुल भर के पानी निकलता है यहाँ से क्यों जाता है यूँ उधर नदी में मिलता है जो नदी आपको मैंने पहले दिखाई थी उसमें तो देखो ऐसी जगह घर है हमारे देखो पीछे देखो कैसे खाई है आगे ये घर और यहाँ से पूरा दुनिया दिखती है हमारे हमारी ज़मीन का कोना दिखता है यहाँ से इसलिए दादाजी ने घर बनाया है यहाँ से नहीं और हाँ एक बात कहना भूल गया मैं इस पूरे बोखला में सबसे ऊपर हमारा घर है भाई किसी का घर नहीं इतना ऊपर घर सबसे ऊपर टॉप पे हमारा ही घर है कुछ लोग सबसे ऊंचे वाले घर पे जाना है मेरा घर भी लाएगा कोई भी लाएगा यहाँ पे जो हमारा घर है ना दादाजी वाला यहाँ पे यहाँ से एक बार अपना बेल मर गया यहाँ से बेल मर गया हमारे लुढ़क के एक बार इधर कहीं से लुढ़क गया था चल रहा था तो मर गया बेचारा उधर गिर के ख़त्म हो गया सरकारी वाले का टेक्स्ट कवर भी होता है ठीक है चलो मिलते हैं फिर और अब निकलते हैं हम भी यहाँ से अपनी गाड़ी लगा ली आ रहा है चल बढ़िया इसका ये फायदा है यूँ रखता हूँ पीछे वाला पूरा आया लगा भी है ना बहुत मस्त आया होगा मैंने भी देखा नहीं मैंने इसे अंदाज में लिया कैसा आया पता नहीं आज हमने एक दिन में दो दो कूलर खरीदे दो दो कूलर खरीदे इसमें थोड़ा पानी भरा है अभी चेक कर रहे हैं चल रहा है उसको फिर पेमेंट किया भेजा भेज दो उसको बिना पेमेंट किया है हमारे